दोस्तों, स्वामी दयानंद स्वदेशी गौशाला में स्वागत है। आज हम मिट्टी और गोबर का लेप करेंगे इन दीवारों पे, ताकि ये ठंडा रहे गौ माता का कमरा। आज देखते हैं कैसे। सबसे पहले दोनों को मिला लेंगे, हल्का सा पानी डाल देंगे और लिपाई स्टार्ट करेंगे। ओके दोस्तों, सबसे पहले एक तसला मिट्टी और दो तसले गोबर लेंगे और मिला के अच्छी तरह सा लेप सा पेस्ट बनाएंगे और फिर लेप करेंगे। ओके नमस्कार दोस्तों, हमने मिट्टी और गोबर को मिला लिया है और पेस्ट बना लिया है। अब इस दीवार, ईंटों की दीवार पे हम पेस्ट करेंगे ऊपर तक। आप देखिए किस सहायता से इसमें डाल देता हूँ। इंची के निमित्त होंगी है, इसमें डाल देता हूँ। ओके अब मैं इसको लीव करूंगा। जय गो माता की। हांडी से हमने और प्लेन कर दिया इसको, आप देख सकते हो। ओके ये देखिए, जहां जहां निशान है वो सब प्लेन हो जाएगा। ओके इस तरह से हम गौ माता के गोबर का लेप करते जाएंगे दीवार को। तो माली और कांडी की मदद से ये बिल्कुल प्लेन कर दिया है, आप देख सकते हो इसकी क्वालिटी। गोबर मिट्टी है इसमें, उसका पेस्ट बनाया, उसकी लपाई किया, ऐसे ही ऊपर तक करेंगे फिर आपको दिखाएंगे। ओके थैंक यू। तो ये हमारी गोबर की लपाई का प्रोजेक्ट जो कंप्लीट हुआ है, आप देख सकते हो। इसमें लगभग एक हफ्ता लगा है। इसके ऊपर चूमने के ऊपर हमने लिखा है स्वामी दयानंद स्वदेशी गौशाला। आप देख सकते हो कि ये टोटल हमने ये प्रोजेक्ट बहुत कंप्लीट किया। बहुत ठंडा है ये कमरा, यहाँ हमने लिखाया है गौ विश्व माता, जो वेदों में लिखा हुआ है। गाय संपूर्ण विश्व की माता है, माता सर्व भूताना, गौ सर्व सुखा। गौएं सभी प्राणियों की माता है, वे सभी को सुख देने वाली हैं। आए गौ सेवा करें, गौ रक्षा करें, जिससे दूध दही मक्खन घी गोबर गौमूत्र और गोदर्शन से सुख प्राप्त हो। तो ये हमें सुख प्राप्त हुआ है, यहाँ कोई प्लस्तर नहीं किया, कोई पुट्टी नहीं की, सिर्फ गोबर और मिट्टी का लेप किया है। ये कुछ लिखा है नंदी, आए नंदी से सीखें, पिता के समान धैर्य, मित्र के समान सहयोग, अति बलशाली होकर भी शांत व विनम्र, सेवानिष्ठ कर्मठता प्रसन्नता ही नंदी का अर्थ है। ओके दोस्तों, इस तरह से आप जो है गोबर की लपाई कर सकते हो। अगर यह वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ऐसे और वीडियो देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।